हे गाइस वेलकम सुस्वागतम एक गेम प्ले वीडियो में। तो आज मैं क्लासिक खेल ही रहा था कि अपने टीम में दो इंडियन बंदे आ गए एंड भाई इनको इंप्रेस करने के चक्कर में 23 किल्स पेल दिए मैंने। वो फुल इंटेंस गेम प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लूट पार थोड़ा गन्स वगैरह लूट ही रहा था कि भाई अपना बंदा नॉक हो गया एंड भाई इसको तो बचाना पड़ेगा ही। तो अभी देखो क्या होता है। खोल दिया क्या? तो भाई इस फेट को पेल के इसको फिनिशर दे ही रहा था मैं। आगे से साउंड आने लगा मेन बिल्डिंग से, तो मेरे को लगा मेन पे जाना चाहिए एंड ये लोग संभाल ही लेंगे इधर अगर बंदे आए तो। ये दो हैं, दो संभाल लेंगे। तो मैं भाई चला चलाने लगा मेन। तो भाई जैसे मैं जिपलाइन भर के मेन जा ही रहा था कि इसके बंदे आ गए एंड ये बंदे अपन फाइट करने लगे। तो मेरे को लगा हेल्प करना चाहिए, तो भाई हेल्प करने जैसे ही गया इसने भाई पेल ही दिया उस बंदे को। तो मेरे को लगा ये लोग इजीली मार देंगे अगर लास्ट बंदा भी आया तो। तो मैं चला गया भाई आगे फाइट्स लेने के, आगे फाइट्स चल रही थी। एंड भाई जैसे इधर आया मैं, ये लोग हील वगैरह कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसको आराम से मार सकते हैं, इन पे सील्स वगैरह नहीं होगी। तो जैसे मैं इधर कूदा भाई मैं गलती से आगे कूद गया एंड भाई सामने ये ब्लड हाउंड पता नहीं खड़ा क्या देख रहा था, तो इसको फटाफट मैंने नॉक किया एंड देखो अभी इधर क्या होता है। तो भाई जैसे ही मैं इस ब्लड हाउंड को फिनिश किया मैंने नोटिस किया भाई अपने बंदे तो मर रहे हैं एंड भाई दोनों नॉक हो गए अपने बंदे। तो मेरे को अपने बंदों को ही बचाना था बट इधर तीन बंदे थे टोटल, बट इधर मैंने एक नॉक किया हुआ था एंड दो बंदे अलाइव थे। तो मेरे को लगा इनको मार के अपने बंदों का बैनर ले लूंगा मैं। मैं जैसे इसको मारा मैंने नोटिस किया कि भाई अपने बंदे तो कल्टी ले लिए, वो लोग लीव कर दिए। तो भाई मेरा भी जितना इंप्रेस करने का प्लान था सारा वेस्ट हो गया। तो इनका तो बदला भी लेना ही पड़ेगा। इनका बदला लेने के लिए मैं जैसे ही मेन बिल्डिंग पे आया देखा भाई ये लोग ने रिस्पॉन्ड कर दिया है सबको एंड तीनों बंदे अलाइव है यार। तो भाई तीनों को ही पेलता मैं। देखो तो भाई इस ब्लडहाउंड के साथ गलत ही सीन हो गया। लास्ट में स्केयर अपना एबिलिटी यूज कर रहा था उसी टाइम पे मैं घुस गया और इसको इजीली मार दिया। अभी गाइस पूरा का पूरा कैपिटल सिटी मैंने क्लियर कर दिया था। तो मेरे को लगा फ्यूल डिपोट साइड बंदे हो सकते हैं तो मैं सीधा गया फ्यूल डिपोट एंड भाई साहब मेरा लक देखो, इधर भाई दो टीम फाइट कर रही थी तो फटाफट मेरे को पता था इजी किल्स मिलने वाला है थर्ड पार्टी से। तो एक किल मेरे को इधर मिल गया और देखो किसे मारता हूँ मैं। जैसे ही इस गिली को फिनिश किया सामने भाई और दो दो किल्स मेरे हाथ में थे फ्री के, तो भाई इनको फटाफट फिनिश कर देते एंड भाई दो दो किल्स लेके मेरे टोटल 12 किल्स हो गए थे। एंड जैसे ही भाई मैंने फिनिश किया देखा पीछे से मेरे को फायर आने लगा तो मैंने फटाफट कवर लिया एंड भाई कवर लेके इनको पेलते देखो अभी। और मेरे पे रेड शील्ड था तो भाई डर तो था ही नहीं मेरे को। अभी जैसे ही इन दोनों को नॉक तीसरा बंदा भाई दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं थोड़ा कवर टू कवर खेल के स्कोपिंग करके देखने का ट्राई कर रहा था। देखो अभी क्या होता है। थोड़ी देर में फायर आया एंड मेरे को पता चल गया भाई बंदा उधर है। तो मैंने फटाफट अल्टरनेटर से अपना 1x फेंका क्योंकि भाई मेरे को अल्टरनेटर नॉर्मली अच्छा लगता है। तो उसको दो अल्टरनेटर पड़ा भाई, दो हेड पड़ा एंड सीधा फिनिश। तो गलत स्कैम हो गया इस चाइनीज बंदे के साथ। उसके बाद फटाफट उधर से निकला जोन के बाहर था मैं एंड थोड़ा ड्रॉप वगैरह गिरा हुआ था, इधर आया और भाई अचानक से मेरे को फायर आने लगा एंड ये लोग पूरा शील्ड ही मेरा खा गए। तो फटाफट मैंने इधर हील किया एंड ये वाला पोजिशन अच्छा नहीं था तो मेरे को लगा पीछे जाके फाइट लेना चाहिए, कवर में अच्छा से फाइट लेना चाहिए। तो देखो क्या होता है।
Jumping into the void is a quick way out of danger. For a while. इस स्क्वाड को मैंने अल्टरनेटर से पेल दिया एंड पेल के भाई सेंटर पे मैं स्काउट कर ही रहा था कि मेरे को भाई तीन तीन बंदे इधर दिख गए एंड तीनों बंदे ओपन में थे, तो फटाफट इस पे लेके इनको खेलते हैं, फिर इसके बाद लास्ट ही स्क्वाड बचेगा तो इजी विन था मेरे लिए। एंड पता नहीं भाई ये बंदा मरीन रहा था, मैंने इसको बहुत स्प्रे दिया। फाइनली सर मैंने दो नॉक करके इसको लॉक किया ही था कि भाई एनिमी ने इसका किल चुरा लिया, तो मेरे को आ गया गुस्सा एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि उधर एक ही ब्लड हाउंड है, तो मैं फटाफट भाई फुल रश करने चला गया। एंड जैसे भाई मैं रश करने गया इधर भाई निकले दो बंदे एंड फुल मेरे को धप्पा दे दिया, बट इस ब्लड हाउंड को पूरा लॉक कर दिया था मैं, तो मेरे को लगा रश करना चाहिए, तो मैं पीछे से घूम के गया एंड पीछे से घूम के जाकर इस ब्लड हाउंड को फटाफट देखो पहलता हूँ मैं। जैसे इस ब्लड हाउंड को पेड़ा देखा भाई रेत तो थी नुबड़ी, तो इसने मेरे को मारा नहीं, तो फटाफट इसको फिर बोलते रेत को मारने के बाद ही पूरा गेम में जीत गया था एंड मेरे 23 फिनिशेस हो गए थे एंड इधर कुछ 5000 के आसपास डैमेज हो गया था। सो यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी कल वाले वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड पे क्लिक करें एंड मेरी मॉन्टाज देखने के लिए राइट साइड पे क्लिक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।